मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पकड़े गए अनिल देशमुख को अदालत ने करारा झटका दिया। कोर्ट ने अनिल देशमुख को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि ईडी ने कोर्ट से अनिल देशमुख की 9 दिनों की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 100 करोड़ की हफ्ता वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शरद पवार के खास नेता अनिल देशमुख से ईडी ने 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था और तब कोर्ट ने अनिल देशमुख को रिमांड पर भेजा था, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में कथित वसूली गिरोह से जुड़ा हुआ है। ईडी ने सीबीआई द्वारा 21 अप्रैल को एनसीपी नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद देशमुख और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। सीबीआई ने देशमुख पर भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में केस दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न बार और रेस्टोरेंट से करीब 470 करोड़ रुपए से अधिक इकट्ठा किए। देशमुख ने पूर्व में इन आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि एजेंसी का पूरा मामला एक दागी पुलिस अधिकारी वाजे द्वारा दिए गए दुर्भावनापूर्ण बयानों पर आधारित था। केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि देशमुख जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि पूर्व मंत्री और उनके परिवार ने गलत तरीके से अर्जित संपत्ति को वाइट करने के लिए 27 कंपनियों का इस्तेमाल किया और एजेंसी को सबूतों के साथ उनसे पूछताछ करने के लिए अधिक समय की जरूरत है। सूत्रों ने आगे कहा कि देशमुख के बेटे ऋषिकेश को मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए समन किया गया था, लेकिन वह आए नहीं। ईडी उनके बेटे को फिर से समन भेजने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।